नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया न्यूज चैनल में। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। शुक्रवार को एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वे पिछले 9 साल से बीमार थे, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। दोस्तों, वर्ष 1998 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बने मात्र 3 महीने हुए थे और उन्होंने परमाणु परीक्षण करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले भी राजस्थान के पोखरण में इंदिरा सरकार ने 1974 में परमाणु परीक्षण किए थे, लेकिन भारत को इसमें सफलता नहीं मिली थी। 11 मई 1998 को पोखरण में दोबारा परमाणु परीक्षण किए गए और उस वक्त अमेरिका की खुफिया एजेंसी के सीईओ ने भारत पर नज़र रखने के लिए पोखरण के ऊपर सैटेलाइट लगा दिए थे, लेकिन भारत ने इन अमेरिकन सैटेलाइट को चकमा देते हुए सफल परमाणु परीक्षण कर दिया था। आपको बता दें कि इस पोखरण के इस परमाणु परीक्षण में मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी इस टीम में शामिल थे। उन्होंने परीक्षण को सफल होने की घोषणा भी की थी। हालांकि उस वक्त अटल जी ने साफ कह दिया था कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, अटल सरकार ने 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद था कि जो बड़े शहर है दिल्ली मुंबई कोलकाता को हाईवे नेटवर्क से जोड़ना। इस योजना को सबसे पहले 2006 में पूरा किया जाना था, लेकिन 6 साल की देरी के कारण 2012 में पूरा किया गया। इस योजना के तहत चारों शहरों को जोड़ने के लिए 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, जिसके लिए 6 खरब रुपये खर्च किए गए थे। दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली से लाहौर तक की बस सर्विस की शुरुआत करने वाली सरकार भी अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी। अटल सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की थी, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। साथ ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों, इसके अलावा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी वाजपेयी सरकार का ही था। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की काम की खबरें प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।